नहीं देखना है, मैं आप पापा से बताऊंगी एंड वो जो एक्शन लेंगे होगा। फिर वो हम लोग रूम के बाहर चले गए, मैम से अपना डिस्कशन कर रहे थे, ये रूम पे थी, उनको पता नहीं था कि रूम पे है। तो उन्होंने बोला श्रुति से, श्रुति को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं अपने पापा से बताऊंगी, उसको जेल भिजवा दूंगी सर, सिर्फ इस मैटर को लेके। ठीक है सर। फिर आज अचानक से, हाँ कल एक और मैटर था, उन्होंने मुझे बहुत गंदी गाली दी थी एंड गाली देते हुए उन्होंने ये बोला था कि वो कोई अपने फ्रेंड से बात कर रही थी, उनका नाम विशाल है, ये मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन वो उन्हीं से बात कर रही थी क्योंकि वही इंसान फैलाया, मेरे पास स्क्रीनशॉट वगैरह सब कुछ है। तो वो आज सुबह हम लोगों को कंटिन्यूअसली कॉल्स वगैरह आ रहे हैं, मुंबई से एक इंसान कॉल किया, पहले तो मेरे को मेरा बैचमेट कॉल किया, श्रुति क्या हो रहा है तुमको, मतलब तुम्हारे खिलाफ तुम्हारा आकृति मैम का और प्रांजलि गुप्ता का नंबर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और कहा जा रहा है कि 50 लोगों को और फॉरवर्ड करो। तो हम लोग उस टाइम पे घबरा गए थे, हम लोग मैम के पास गए, मैम ने बोला एप्लीकेशन लिखो और ये फॉरवर्ड कर दिया जाए। एंड फिर सर क्या हुआ कि मुंबई से एक लड़के का कॉल आया और वो बोले कि बेटा तुम्हारा नाम श्रुति है क्या, मैंने बोला हाँ, आप बताइए क्या हो गया। तो उन्होंने बोला कि हम लोग टीचर से कंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आकृति है उसका भी नंबर है मेरे पास, वो तो उठा नहीं रही है, वो कट कर दे रही है। तो मैंने बोला सर मैटर क्या बताएंगे, उन्होंने बोला मैं इंस्टाग्राम यूज़र हूँ, मेरे मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स हैं और किसी विशाल नाम का कोई एक लड़का है, वो मेरे को मैसेज किया है कि एक अब्यूजिव कंटेंट तैयार करो जिसमें से इन लड़कियों के नंबर को वायरल कर दो, हर जगह फैला दो कि कॉल्स वगैरह आए और जो भी है सर। फिर उनका नंबर भी हम लोगों के पास है, बात हुई मैम से भी, बात हुई। तो सर ये मैटर था, फिर उन्होंने जो भी हम लोगों के खिलाफ बताया कि रूम में हम लोग उनके साथ कैसे डील किए, उनकी तबीयत खराब थी तो हम लोग देखते नहीं थे सर, ऐसा कुछ भी नहीं, हम लोग ध्यान देते थे, हम लोगों को उनसे कोई पर्सनल इशूज नहीं है, हम लोगों ने स्टार्टिंग से उनके साथ अच्छे से बिहेव किया, बट जब वो लाइट सिस्टम वाली बातों में उन्होंने आर्ग्यूमेंट मचाया तो हम लोग भी थोड़ा सा हो गए सर। इस बात को मैं एक्सेप्ट करती हूँ सर। फिर यही हुआ था एंड मेरे पास प्रूफ भी है कि कैसे कैसे वल्गैरिटी की भी एक लिमिट क्रॉस हो चुकी थी कि कोई लड़का है मेरे खिलाफ या फिर हम लोगों के सबके खिलाफ, वो ऐसे स्क्रीनशॉट मतलब मेरे पास रखा हुआ है कि वो सब लड़कों को ये चीज़ फॉरवर्ड की है।